गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कलम क्लोनिंग की बात कर चुके थे, बायोटेक्नोलॉजी हमारा चैप्टर चल रहा था। क्लोनिंग में हमने केवल टर्मिनोलॉजी सुनी थी या पढ़ी थी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, ठीक है, जिसमें मैंने कल बताया था कि एंडोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, न्यूक्लियस ये आपके एंजाइम्स होते हैं, तो आज वही सब हम डिस्कस करेंगे। और आज का जो काम है सारा इम्पोर्टेंट है आपका, ठीक है, इसमें जो टेक्निक्स आप आगे पढ़ेंगे वो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नाउ वी नो फ्रॉम द फॉरगॉन डिस्कशन दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी एकम्प्लिश्ड ओनली इफ वी हैव द की टूल्स, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज, वेक्टर्स एंड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ दीज इन डिटेल्स। फर्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इन द ईयर 1963 द टू एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड। वन ऑफ दीज एडिड मिथाइल ग्रुप्स टू डीएनए व्हाइल द अदर कट डीएनए द लेटर वाज कॉल्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंट सेकंड। ध्यान रखेंगे, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, एंडोन्यूक्लियस की बात हो रही है, एक इसका भाई होता है एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। हिंट सेकंड, हुज फंक्शनिंग डिपेंडेड ऑन ए स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर। इट वाज फाउंड दैट हिंट सेकंड ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल्स एट ए पर्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ 6 बेस पेयर्स। दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर हिंट सेकंड। बिसाइड हिंट सेकंड टुडे वी नो मोर देन 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट हैव बीन आइसोलेटेड फ्रॉम ओवर 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस। द कन्वेंशन फॉर नेमिंग दिस एंजाइम इज द फर्स्ट लेटर टू द नेम कम्स फ्रॉम द जीन एंड सेकेंड टू लेटर्स कम फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। फर्स्ट आपका जीन करेगा, सेकंड आपका स्पीसीज करेगा। विच दे वर आइसोलेटेड ई को आर आई कम्स फ्रॉम ई कोलाई आर वाई 13 इन ई को आर आई द लेटर आर इज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ स्ट्रेन। रोमन नंबर्स फॉलोइंग दिस नेम्स indicate the order in which the enzyme were isolated from that strain of bacteria. Restriction enzyme belong to a larger class of enzyme called nucleases. There are two types, exonucleases or endonucleases. Exonuclease remove nucleotide from the end of the DNA, whereas endonuclease, exonuclease आपको पता है कि केवल किसी भी डीएनए का जो एंड वाला पोर्शन है उसे कट करता है, और एंडोन्यूक्लियस क्या होता है, स्पेसिफिक साइट मतलब इनर साइड से उसको कट आउट करता है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शनिंग बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस, वंस इट फाइंड्स इट्स स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस इट विल बाइंड टू द डीएनए एंड कट ईच ऑफ द टू स्टैंड ऑफ द डबल हेलिक्स ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट इन दियर शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, आपके पास डबल एंडेड डीएनए होता है, डबल हेलिक्स वाला, ठीक है, तो उसमें कट करने की बात कर रहा है, तो जो उसकी बैकबोन होती है ना, बैकबोन आपको पता है फॉस्फेट की बनी होती है, इसीलिए आपका डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसकी शुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट करता है, उसके स्पेसिफिक जहाँ भी पॉइंट को आपको कट करना है। ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सिक्वेंस PNS, ठीक है, इन दी डीएनए। ये नीचे जो आपको डायग्राम दिया हुआ है लेफ्ट हैंडेड साइड, क्या है, दी एंजाइम कट बोथ डीएनए स्टैंड एट द सेम साइड, सेम साइज से कट किया है कि भाई लेफ्ट हैंडेड से करेंगे या राइट हैंडेड से करेंगे। इधर लिखा है ई को आर आई कट द डीएनए बिटवीन बेसिस जी एंड ई ओनली व्हेन द सीक्वेंस जी ए ए टी टी सी इज प्रेजेंट इन द डीएनए। बराबर में आपको वेक्टर डीएनए दिया हुआ है जिसका सीक्वेंस है, और बराबर में आपको फॉरन डीएनए दिया हुआ है, सीक्वेंस दोनों के सेम है, ठीक है। हमने ऊपर से इसको कट किया है, ठीक है, कट करने में क्या हुआ कि जो जी ए ए वाला टी टी सी था उसमें केवल जी रह गया, ऊपर का पोर्शन इसका कट हो गया, उधर साइड हमने इसको उल्टा कट किया है, ठीक है। तो नीचे लिखा डीएनए फ्रेगमेंट्स जॉइन एज स्टिकी एंड, क्योंकि एंड टू एंड जुड़ रहे हैं तो इसे स्टिकी एंड बोलते हैं, और दोनों यहाँ पे जुड़ गए जो आपका बना है रिकॉम्बिनेंट डीएनए।
तो यहाँ पे क्या है, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए बाय एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इको आर आई। ठीक है, डू यू नो दैट पैलिंड्रोमिक आर या पैलिंड्रोम्स आर, दीज आर ग्रुप ऑफ लेटर दैट फॉर्म द सेम वर्ड देन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, एम ए एल ए वाई ए एल ए, आप इसको उल्टा पढ़ेंगे तो सेम रहेगा। एज अगेन से वर्ड पैलिंड्रोम वेयर द सम वर्ड इज रीड इन बोथ डायरेक्शन, कि आप उसे उस साइड से, आप राइट हैंडेड साइड से पढ़े लेफ्ट से पढ़े, दोनों सेम ही पढ़ा जाएगा। द पैलिंड्रोमिक इन डीएनए इज अ सीक्वेंस ऑफ बेस पेयर दैट रीड सेम ऑन द टू स्ट्रैंड व्हेन ओरिएंटेशन रीडिंग इज कैप्ड। फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग सीक्वेंस रीड द सेम ऑन द टू स्ट्रैंड इन बाय स्ट्रैंड टू थ्री टाइम, जो ऊपर डैश ऑफ प्राइम है आपका डायरेक्शन, दिस इज आल्सो ट्रू इफ रीड इन द थ्री टाइम टू फाइव टाइम डायरेक्शन। पर फाइव टू थ्री में जी ए टी टी सी, आप फाइव टू थ्री टू फाइव टाइम इसे पढ़ेंगे तो सी टी टी ए। तो यहाँ पे केवल आपको क्या बताया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताया, हिंट सेकंड का आपको फर्स्ट बताया कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसे हमने डिस्कवर किया था, फिर आपको ई को आर आई की बात की है, ई क्या है, कोर क्या है, आर क्या है, आई यहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है, कॉमन वर्ड वहाँ पे क्यों यूज़ हो रहा है, और वहाँ पे एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस की एक्टिविटी आपको दिखाई, एंडोन्यूक्लियस में आपको कट करके दिखाया, ठीक है, दोनों का वेक्टर था आपका फॉरन डी एन ए, तो दोनों कट किया, दोनों को फिर के एंड से हमने वहाँ पे ऐड कर दिया, लाइक जोड़ दिया हमने। फिर क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द स्टैंड ऑफ डी एन ए लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक साइट बट टेकिंग द सेम टू बेसिस ऑन द अपोजिट स्ट्रैंड, दिस लीव्स सिंगल स्ट्रैंडेड पोजीशन एट द एंड, देयर आर ओवर हैंगिंग स्ट्रेचेस कॉल्ड स्टिकी एंड ऑन द ईच स्ट्रैंड ऑफ पीछे कट चुका है, दीज आर नेम्ड सो बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट काउंटर पार्ट। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें, दिस स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट दैट स्ट्रक्चर एंड डीएनए। डीएनए टू प्लाज्मिड जो आपका बन गया, और इसने अभी से किसी सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया, इसे ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद क्या हुआ कि इकोलाइन अपने आप को डिवाइड कर लिया, तो यहाँ पे दो सेल आपकी बन गई। ये आपको केवल रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा है, ठीक है, कि कैसे हमारे पास वेक्टर था और कोई फॉरन डीएनए था, फॉरन डीएनए को वेक्टर या प्लाज्मिड के अंदर डाल दिया। कल मैंने बताया था प्लाज्मिड आपका ऑटोनोमसली, ठीक है, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है आपका, सर्कुलर डीएनए होता है, तो उसके थ्रू फिर आपने इसे किसी फॉरेन पार्टिकल में अलग होस्ट में डाल दिया, होस्ट ने अपने आपको डिवाइड कर दिया, वहाँ पे आपकी दो सेल बन गई। देन जो आपकी नई टेक्निक है वो आपकी है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आज के टाइम में बहुत यूज़ की जाती है। ऐसे आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, आपकी एस डी एस पेज इलेक्ट्रोफोरेसिस है, आपकी इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जो मतलब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस अगर नॉर्मली मैं आपको बताऊं तो ये वो टेक्निक है जिसमें सेपरेट आउट करते हैं हम मिक्सचर को, मिक्सचर हो सकता है आपका प्रोटीन का या डीएनए का मिक्सचर हो सकता है, ठीक है। अब वो उसका प्रिंसिपल क्या है, किस चीज़ पे बेस्ड है वो, या तो डीएनए की आप लेंथ देखेंगे, आप उसका साइज़ देखेंगे, आपके प्रोटीन है आप उसका वेट देखेंगे कि भाई ये प्रोटीन इतने मॉलिक्यूलर वेट की है या इसका साइज इतना है, तो हम इसे इस बेसिस हम इसको अलग करेंगे, ठीक है। पढ़ते हैं इसमें क्या है, एज वो यू मे हैव रियलाइज दैट नॉर्मली अनलेस वन कट द वेक्टर एंड अदर सोर्स डीएनए विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द रिकॉम्बिनेंट वेक्टर मॉलिक्यूल कैन नॉट बी क्रिएटेड, सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स कैसे करते हैं, द कटिंग ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिजल्ट इन द फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, आपने किसी भी डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू आपने कट कर लिया, दीज फ्रेगमेंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय टेक्निक नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वही बात आ गई सारी, सिंस डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड, अरे आपको पता है कि डीएनए पे फॉस्फेट ग्रुप होता है, इस वजह से नेगेटिवली चार्ज होता है मॉलिक्यूल, दे कैन बी सेपरेटेड बाय फोर्सिंग देम टू मूव टुवर्ड्स टू एनोड
अंडर ए इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए मीडियम और मैट्रिक्स। देखो नॉर्मली आपको क्या कहना चाह रहा है कि भाई निगेटिवली चार्ज है, अगर आप उसे इलेक्ट्रिसिटी दो तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो निगेटिवली चार्ज से कहाँ पर जाएंगे, पॉजिटिवली चार्ज की साइड मतलब एनोड की साइड को मूव करेंगे वो। नाउ इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज मैट्रिक्स इज एग्रोज विच इज नेचुरल पॉलीमर वो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड्स। इसमें क्या होता है कि एगेरोज है, ये आपका एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, अगार अगार का अगर आपने नाम सुना हो, ये जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया नाम की आपकी एल्गी होती है जिनसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कहा है ना कि नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है, सी वीड से निकाला जाता है या लिया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि एक प्लेट लेते हैं और उस प्लेट पर हम बफर सोल्यूशन का नाम सुना है, बफर सोल्यूशन होता है, बफर सोल्यूशन और एगार को मिला के हम एक सोल्यूशन मतलब बनाते हैं और उसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम उसे गर्म करने के मतलब छोड़ देते हैं। तो क्या होता है गर्म हो जाता है, फिर हम उसको प्लेट में डाल देते हैं, एक कांच की प्लेट होती है उसमें फैला देते हैं पूरे एगार को और छोड़ देते हैं उसको, फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, तो वो जेली लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है। ठीक है, उस जेल में क्या होता है कि अंदर मैट्रिक्स बने होते हैं, अंदर की साइड मैट्रिक्स से उसे हम नेटवर्क बोल सकते हैं, तो हम एगेरोस फॉर्म करते हैं। द डीएनए फ्रेगमेंट सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज थ्रू सिंग इफेक्ट प्रोवाइड बाय द एगेरोस जेल। देखो ये बात इसने कही है कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है, होता क्या है फाइनली मैं आपको बताऊं कि जो आपका डीएनए है वो जेल पर रन करता है, एगेरोस जेल पर रन करता है, तो एगेरोस जेल के अंदर क्या बन रहा है मैट्रिक्स से नेटवर्क बना हुआ है, तो वो जो नेटवर्क है वो जितना छोटा पार्टिकल होगा ना, या जितना छोटा डीएनए होगा जिसका जितना छोटा उसका फ्रेगमेंट होगा या उसका साइज जितना छोटा होगा, वो उतनी फास्टली मूव कर सकता है उस नेटवर्क में से, निकल के भाग सकता है, रन कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है। और जितना वहाँ पे आपका मॉलिक्यूल जो है या आपका जो लेंथ जो है डीएनए की या प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है, कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी मिक्सचर है उसमें जितना भी लार्जर मॉलिक्यूल होगा या उसका साइज जितना भी बड़ा होगा, वो उतनी ही आराम से मूव करेगा, माइग्रेट नहीं कर पाएगा, समझ में आ गया। और ये आपको शो कैसे होता है, जब आप डीएनए को देखते हैं तो आप इसमें एक डाई यूज़ करते हैं, एथ्रीडियम ब्रोमाइड नाम की डाई यूज़ करते हैं हम, जो इसमें मिक्सचर डालते हैं वो विजुअलाइज करती है, उसमें आपको डीएनए के बैंड शो होते हैं। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, हैंस द स्मॉलर द फ्रेगमेंट साइज द फर्दर इट्स मूव, लुक एट द फिगर। ठीक है, द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट कैन बी विजुअलाइज अंडर आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए। स्टेनिंग की वही बात हुई है जो डाई की बात कर रहा हूँ मैं, स्टेनिंग द डीएनए विद ए कंपाउंड नोन एज एथ्रीडियम ब्रोमाइड, सेम बात आई है, फॉलोड बाय एक्सपोज टू यूवी रेडिएशन। हम इसे यूवी रेडिएशन के अंदर देखते हैं। ठीक है, यू कांट सी प्योर डीएनए फ्रेगमेंट इन द विजुअल लाइट, तो हम यूवी का यूज़ करते हैं, एंड विदाउट स्टेनिंग यू कैन सी ब्राइट ऑरेंज कलर्ड बैंड ऑफ डीएनए इन एथ्रीडियम ब्रोमाइड स्टेन जेल, वो जेल एक्सपोज्ड ऑफ यूवी लाइट। This separated band of DNA are cut out from the agarose gel and extracted from gel piece. This step is known as elution. ध्यान रखना, इसने क्या कहा है कि जो बैंड है उस बैंड को जब हम एक्सट्रैक्ट करते हैं पीस से तो हम इल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, द डी एन ए फ्रेगमेंट कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डी एन ए बाय जॉइनिंग दैम विद क्लोनिंग फैक्टर। अब इसने आगे की बात बताया, तो आपको जो बराबर में डायग्राम दिखा दे रहा है बेटे यही है कि एक प्लेट रखी हुई है, उस पर हम एगेरोस फैला देते हैं, एगेरोस फैलाने के बाद हम कॉम्ब का यूज़ करते हैं और कॉम्ब से हम इसमें वॉल्स बना देते हैं। ठीक है, वेल्स बनाने के बाद जो भी आपका डीएनए है या जो भी आपके पास मिक्सचर था वो इस वेल्स के अंदर हम डाल देते हैं। ठीक है, नॉर्मल मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपके पास एक प्लेट है, आपने बफर और एगेरोस का जो मिक्सचर बनाया है आपने उसे पूरी प्लेट पर फैला दिया, फैलाने के बाद आपने उसमें कॉम्ब के थ्रू आपने उसमें वॉल्स बना दी, वेल्स बनाने के बाद जो भी आपके पास मिक्सचर था जो आपको सेपरेट आउट करना है, ठीक है, अलग अलग करना था जो मिक्सचर, वो अब आप इस वॉल के अंदर आप डाल दोगे, फिर इसके दो पोल होते हैं, आप इसे वर्टिकली रख लोगे तो आप एनोड और कैथोड इसमें लगा लोगे। ठीक है, एनोड और कैथोड आप इसमें लगा लेंगे, ऊपर आपका कैथोड हो गया निगेटिवली चार्ज, नीचे आपका एनोड हो गया पॉजिटिवली चार्ज। आपको पता है आपका डीएनए कैसा होता है, निगेटिवली चार्ज होता है, ऊपर भी निगेटिव है तो वो निगेटिव कहाँ को रन करेगा, नीचे की साइड को रन करेगा, और उसी वॉल्स में क्या डाल देते हैं, स्ट्रेन डाल देते हैं या आपकी डाई डाल देते हैं, थ्रीडियम ब्रोमाइड ETBR उसे शॉर्ट में बोलते हैं। आफ्टर सम टाइम, अब वो कितनी देर में विजुअलाइज होगा ये डिपेंड आपके मिक्सचर पे करता है कि मिक्सचर कैसा है। ठीक है, आप फिर उसे यूवी के अंदर आप उसे विजुअलाइज करते हैं, आपको इसमें बैंड दिखाई देंगे, जैसे आपको इसमें ऑरेंज बैंड दिखाई दे रहा है ना, इसमें लिखा डीएनए बैंड ऊपर लार्जेस्ट नीचे स्मॉलेस्ट, तो बेटे सेम बात है कि अगर जितना छोटा साइज होगा वो नेटवर्क में से जो एगेरोस ने जो नेटवर्क इनसाइड बनाया हुआ है उसमें से इतना फास्टली मूव कर सकेगा, कर जाएगा, और वो ऐसा आपको उसमें बैंड शो हो जाएंगे। ये आपकी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ठीक है, एगेरोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस भी से बोल सकते हैं, इससे अलग SDS पेज होती है,
इससे अलग इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है, ठीक है, जो एंटीबॉडीज और एंटीजेंस के लिए यूज़ की जाती है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है, फ्यूचर में काफ़ी यूज़ होने वाला है, नॉलेजेबल है, तो इसको ध्यान से इसके नोट्स बनाना आप। और जो इसमें डायग्राम्स शो किए हुए हैं, ये डायग्राम्स आपको एज इट इज़ बनाना। ओके बेटे, आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू सो मच।